मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस तरह से इसमें हम नॉट बनाएंगे। और इसमें हम चैन बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम 55 चैन बनाएंगे। इस तरह से हमने इसमें 55 चैन बनाकर तैयार कर लिए। अब हम 1, 2, 3 छोड़कर हम चौथे वाले में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक चैन लेंगे और उसी में हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से अब हम इसमें 1, 2, 3 तीन छोड़कर हम इसमें चौथे वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक चैन लेंगे और वापस से उसी में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये हमारा वी का शेप तैयार हो जाएगा। 1, 2, 3 तीन छोड़कर इसमें चौथे वाले में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक चैन वापस से उसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3 वी हो गई। अब हम दो चैन लेंगे। 1, 2 दो चैन लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर हम इसमें छठवें वाले में डालेंगे। इस तरह से और डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन लेंगे और वापस से उसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 1 और 2 दो चैन लेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर इसमें छठवें वाले में डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन वापस से उसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से बन गया हमारा। अब हम इसमें 1, 2, 3 छोड़कर इसमें चौथे वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन वापस से उसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3 तीन छोड़कर इसमें चौथे में डालेंगे। इस तरह से एक चैन वापस से उसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारे 3 इधर हो गए, वी और 3 एक बीच में हो गया। इसी तरह से हम इसकी तरह एक और बनाएंगे हम आगे। इसमें हम दो चैन लेंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर और इसमें डालेंगे हम छठवें में और एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन वापस से उसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 1, 2 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर इसमें छठवें वाले में डालेंगे हम और एक डबल क्रोशिया। एक चैन वापस से उसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से एक दो तीन तीन छोड़कर इसमें चौथे में डालेंगे हम एक डबल क्रोशिया।
एक चैन, वापस से उसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक एक दो तीन छोड़कर इसमें चौथे में डालेंगे इस तरह से एक चैन, वापस से उसी में डालेंगे इस तरह से, हमारा ये बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें एक चैन छोड़कर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया करेंगे हम, वापस से एक चैन लेके वापस उसी में डालेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन, वापस से हम उसी में डालेंगे इस तरह से। हमने ये बी बनाया, उसी में फिर से हम बी बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट में डालेंगे एक चैन, वापस उसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। हमने तीन वी बनाई थी, इसमें तीनों में हमने एक एक वी बनाकर तैयार कर लिए। अब हम नेक्स्ट में डालेंगे इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट में इसमें हम सात बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हम इस तरह से बनाएंगे, सात बार डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। अब हम नेक्स्ट में डालेंगे इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन, वापस से उसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चैन, वापस उसी में एक और डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, वापस उसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। हमने इसमें तीन वी और बना लिए इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में डालेंगे इसमें और सात बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः इस तरह से हमने इसमें सात बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया इस तरह से। हमने इस रो को बना लेना है, आगे दिखाते हैं क्या करना है। हमने इस रो को इस तरह से बनाकर तैयार किया। अब हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, इस तरह से घुमाएंगे और इसमें डालेंगे हम
डबल क्रोशिया, एक चैन, वापस उसी में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से नेक्स्ट बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, इस तरह से हम डाल इसको बनाएंगे, दो चैन लेंगे, एक दो, इस तरह से बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अब इसमें हम यहाँ दो चैन लेके एक दो तीन और इसमें चौथे वाले में इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन और वापस उसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे भी हम इस तरह से वी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम दो चैन लेंगे, एक दो, इसमें डालेंगे इस तरह से, हम इसमें वी बनाकर तैयार करेंगे। इस रो को हम इस तरह से ही बनाकर तैयार करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। हमने इस रो को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है, तो हम इसमें डालेंगे, इसमें इस तरह से। अब हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेते हुए इस तरह से घुमाएंगे और इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक एक चैन, वापस से उसी में एक डबल क्रोशिया, इसमें नेक्स्ट में इस तरह से इस रो को हम ऐसे बनाएंगे। ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसमें 7 डबल क्रोशिया करेंगे हम इस तरह से, इसमें 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम इसमें वी बनाएंगे, फिर इसमें हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर हम इसमें वी बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस रो को बनाकर तैयार करते हैं, फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। इसमें हमने इस रो को भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, इसको इस तरह से घुमाएंगे। नेक्स्ट में इसमें हम डालेंगे और एक वी बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से, इसमें नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से, तो ऐसे दो चैन लेंगे हम यहाँ पर, इसमें एक दो तीन, तीन छोड़कर इसमें चौथे वाले में डालेंगे, एक चैन लेंगे और वापस से उसी में डालेंगे इस तरह से, इस तरह से बनाते हुए हमें इसको तैयार कर लेना है। और हम बनाकर दिखाते हैं इसको ऐसा लगता है ये बनने के बाद। हमने इसको इतना बनाकर तैयार कर लिया इस तरह से,
इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, शॉल, ये रॉन्ग साइड से ऐसा लगता है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।